हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी इंजीनियर्स फॉर सिविल यूट्यूब चैनल। आज हम ई टैब्स की ट्यूटोरियल सीरीज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसमें एक आपके पास पोर्टल फ्रेम है जिसमें आपके पास 3 कॉलम और 2 स्पैन बीम है और उनके पास कुछ लोड लगा हुआ है। हम इस लोड को एज्यूम कर लेते हैं कि ये डेड लोड है, यूडीएल को भी एज्यूम कर लेते हैं डेड लोड है, और पॉइंट लोड को भी एज्यूम कर लेते हैं डेड लोड है। क्रॉस सेक्शन कॉलम और बीम का गिवन है और मटेरियल का ग्रेड भी गिवन है, यानी कि कंक्रीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टैब हमने ऑन कर लिया और सबसे पहले हम करते हैं न्यू मॉडल। न्यू मॉडल पे करने के बाद सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है इंडियन यूनिट्स, मैट्रिक एसआई और यहाँ पे इंडियन कोड कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए। ये सेटिंग होनी चाहिए आपकी इंडियन कोड के अकॉर्डिंग। अगर आपको बिल्डिंग डिजाइन करनी है और एसआई यूनिट्स लेनी है, यानी कि मीटर में यूनिट लेनी है, तो एसआई। इसके बाद ओके करना है और उसके बाद आता है आपका ग्रिड सिस्टम, यानी कि आपको एक ग्रिड डिफाइन करनी है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि अगर हम इसको एक लाइन माने वर्टिकल एक्स, और एक लाइन ये है आपकी और एक ये लाइन है, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी है हमारी, 1 2 3 एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर जेड डायरेक्शन में हम देखें तो डेड जेड डायरेक्शन में आपकी एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी, ठीक है। तो एक्स में कितनी लाइन हो गई हमारी, 3, और जेड में कितनी हो गई हमारी, 2। सॉरी, इसको जेड नहीं बोलेंगे, इसको स्टोरे बोलेंगे। नंबर ऑफ स्टोरे हमारा 1 है, जिसकी हाइट है हमारी 5 मीटर, ठीक है। तो एक्स में लाइन 3, स्पेसिंग 6 मीटर, और स्टोरे में 1 स्टोरे 5 मीटर, ये हमको इनपुट करना है। तो हमें केवल एक्स को मैं करता हूँ 3 लाइन और स्पेसिंग कर देते हैं हम 6 मीटर। बस दो चीज़ें टच की और यहाँ पे 1 स्टोरे और 5 मीटर उसकी हाइट। तो हमें क्या टच करना है यहाँ पे, एक्स में 3 लाइंस, एक्स में स्पेसिंग 6 मीटर, स्टोरे 1 और 5 मीटर हाइट, बस इतना आपको इनपुट करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3D में, तो 3D में जो फ्रंट फेस है वो कुछ कुछ ग्रिड हमारे फ्रेम की तरह है, जिस तरह का हमें फ्रेम बनाना है। और ये जो बात का एरिया है, ये जो बात की हमारे ग्रिड है, इसको हमें कुछ हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें केवल ये चाहिए पोर्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है डिफाइन मटेरियल और ऐड न्यू मटेरियल करना है हमें। यहाँ पे हमें इंडियन और कंक्रीट लेना है और कंक्रीट में प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग M25, ओके M25 यहाँ पे रहने देना है टाइटल, और सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने के बाद ओके कर देना है। ये M25 आ चुका है। अब डिफाइन करना है हमें फ्रेम का सेक्शन, यानी कॉलम और बीम का क्रॉस सेक्शन साइज। तो यहाँ पे फ्रेम सेक्शन ऐड न्यू, क्योंकि हमारे कॉलम और बीम रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल शेप लेंगे। और एक बार प्रॉब्लम में देख लेते हैं, हमारे जो कॉलम है वो 400 बाई 400 स्क्वायर है और बीम जो है 400 बाई 3। तो ये हम लेते हैं कॉलम, टाइटल में डाल रहा हूँ कॉलम, यहाँ पे मटेरियल M25 और 400 बाई 400, ठीक है। तो मैंने क्या क्या किया, टाइटल कॉलम, मटेरियल M25, क्रॉस सेक्शन 400 बाई 400, उसके बाद ओके ओके। ये देखिए यहाँ पे कॉलम आ चुका है। अब इसी तरह से हमें एट न्यू करके बीम को डिफाइन करना है। रेक्टेंगल शेप मैंने ली और यहाँ पे टाइटल डाला बीम M25, डेप्थ जो है वो हमारी 400 है और विड्थ जो है हमारी 300 है, ठीक है। तो दोबारा मैंने क्या क्या डिफाइन किया, बीम, टाइटल, M25, क्रॉस सेक्शन और ओके ओके कर दिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बीम भी डिफाइन हो चुका है और कॉलम भी डिफाइन हो चुका है। अब इसको ओके कर देना। अब हमें करना है ड्रॉ। तो ये जो विंडो है आपकी, ये वाली पहली विंडो,
यह है आपका प्लान, टॉप व्यू, ठीक है, और यह है आपका 3D, ठीक है। अब मैंने देखिए यहाँ पे है बीम ड्रॉ करने के लिए, इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है। इस प्रॉपर्टी में आपको देखना है जो ए लेट बीम लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है, जो आपने बीम डिफाइन किया था उसके लिए बीम, ठीक है। बीम डिफाइन होने के बाद बस आपको ऐसे ड्रैग कर देना है और आप यहाँ पे 3D में देखेंगे बीम बन चुका है। इसी तरह यहाँ पे जो आई सेक्शन है कॉलम बनाने के लिए, कॉलम इस पर क्लिक करना है, सेम एज आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी और आपको ए लेट कॉलम को चेंज करके अपना वाला कॉलम जो आपने डिफाइन किया है उसको लेना है और फिर वो भी ड्रैग करके ऐसे कॉलम डिफाइन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्मल कर्सर ले लेना है। तो जो हमारे डिफॉल्ट जो बेस पे हमारी सपोर्ट लगी हुई है वो है पिन, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और इनको कन्वर्ट करता हूँ फिक्स में। तो असाइन, सबसे पहले मैंने जॉइंट सिलेक्ट किए हैं, जॉइंट रिस्ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे जॉइंट और उसके बाद यहाँ पे रिस्ट्रेन, ठीक है। असाइन जॉइंट रिस्ट्रेन और यहाँ फिक्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लग चुकी है, ठीक है। ये 3D और इसको हम ले लेते हैं एलिवेशन। देखिए एलिवेशन ये सामने से दिखाई दे, मैं चाहता हूँ ये फ्रेम मुझे सामने से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ है इस फ्रेम का 1, तो मैं इस वाली विंडो पे एलिवेशन पे जाऊंगा और यहाँ 1 पे क्लिक कर दूंगा। देखिए अब हमें फ्रेम दिखाई देने लगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लोड। तो UDL लग रहा है 6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पूरे दोनों स्पैन पे, तो मैंने दोनों स्पैन को सिलेक्ट किया असाइन और यहाँ पे फ्रेम, क्योंकि बीम और कॉलम को इसमें बोलते हैं फ्रेम, तो फ्रेम लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। UDL के लिए क्लिक। जब हमें पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाना होता है तो हमें इसका ऑप्शन लेना होता है, लेकिन जब हमारा UDL पूरे स्पैन पे लगा हुआ है तो हमें इसको नहीं लेना, सीधा यहाँ पे लोड डाल देना है। तो यहाँ पे हमें 6 वैल्यू डालनी है, ओके। तो लोड लग चुका है। अब नेक्स्ट लोड देखते हैं। नेक्स्ट लोड है हमारा सेंटर में 3 मीटर और जॉइंट्स पे है 10 किलोमीटर का पॉइंट लोड। सिंपल है, हमने इस बीम को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, या फर्स्ट बीम को सिलेक्ट करते हैं, असाइन फ्रेम लोड पॉइंट लोड, ठीक है। अब देखिए हम पॉइंट लोड के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है एब्सोल्यूट डिस्टेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जाननी है कि पहला लोड जो है आपका ये वाला जो यूनिट लोड है ये 0 डिस्टेंस पे, अगर यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट करें तो 0 पे कितना लग रहा है 10। दूसरा लोड जो है आपका वो लग रहा है यहाँ पे 3 मीटर पे, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 मीटर और यहाँ पे 10। तीसरा लोड जो है वो है यहाँ पे यानी कि 6 मीटर और 10, ठीक है। इस बीम के लिए इतना ही, ओके। देखिए आप तीनों लोड लग चुके हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं इस बीम को सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा असाइन फ्रेम लोड पॉइंट लोड, इसमें मुझे लगाना है, अच्छा यहाँ पे 19 टाइप हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। ये 3 मीटर पे 10 और आपका 6 मीटर पे 10 सेकंड बीम के लिए। फर्स्ट बीम पे सिलेक्ट करते हैं, असाइन पे जाते हैं और फ्रेम लोड और जॉइंट लोड, और यहाँ पे 0 पे 10, 3 पे 10 और 6 पे 10, ये तो हमारा रिप्लेस हो जाएगा जो हमने गलती से 19 लगा दिया था यहाँ पे, ये हो गया। अब हम 3D पे मैंने क्लिक किया 3D विंडो पे और अब मैं यहाँ से क्लिक करके 3D के अंदर फ्रेम लोड चेक करूँगा। देखिए 10 10 10 10 10 6 6 लग चुका है। अब एनालाइज करना है, तो एनालाइज के लिए यहाँ पे एनालाइज से पहले आप एनालाइज में जाके चेक मॉडल कर सकते हैं कि मॉडल में कोई गलती तो नहीं है। इन सारे पैरामीटर्स को आप सिलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और थोड़ी देर बाद एक वार्निंग, एक मैसेज देगा, नो वार्निंग, यानी कि ठीक है। अब यहाँ पे जो रन का बटन है इससे हम एनालाइज करेंगे, सेव करने के लिए पूछेगा और हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं ई टैब्स
प्रॉब्लम्स। इस फोल्डर के अंदर हम ये प्रॉब्लम नंबर 1 सेव करते हैं। इस प्रॉब्लम की जो ये जो फाइल होगी, ई टाइप की फाइल, इस मॉडल की फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप जाके इस फाइल की को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बफरिंग होगी, एनालाइज होगा, उसके बाद हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए एनालाइज हो चुका है और ये जो डिफॉल्ट शेप आ रही है, ये जो डिफॉल्ट आ रहा है, ये आ रहा है डिफॉर्मेशन, और यहाँ से इसको एनिमेट कर सकते हैं। ये देखिए एनिमेट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम शेयर फोर्स चेक करते हैं, यहाँ से हम शेयर फोर्स, इससे हम चेक करते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स 2:2 का मतलब है कि यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, वैल्यू भी आए। ये देखिए यहाँ पे कुछ सही से नजर नहीं आ रहा, तो हम इस विंडो पे क्लिक करते हैं और अब चेक करते हैं शेयर फोर्स विद वैल्यू। ये है शेयर फोर्स डायग्राम। अब चेक करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो मूवमेंट 3:3, शेयर वर्टिकल लोड के लिए मूवमेंट 3:3 एंड शेयर फोर्स 2:2 ही चेक करेंगे, ठीक है। ओके ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। रिएक्शन के लिए आपका ये आइकन है, हमें एफ जेड रिएक्शन देखनी है। वर्टिकल रिएक्शन जो होती है इसमें एफ जेड डायरेक्शन में होती है, ये रिएक्शन सारे। और डिफॉर्मेशन के लिए आपका ये है शो वैल्यू डेड लोड की वजह से हमें क्या देखना है, सॉरी डिफॉर्मेशन ये है, ठीक है, ये डिफॉर्मेशन। एक जगह आप और देख सकते हैं अपने रिजल्ट को, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे बीम के ऊपर, तो उसी बीम का आपको देखो क्या क्या दिखाई देगा। ये है लोडिंग डायग्राम, ये है शेयर फोर्स डायग्राम, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये है डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ड्यू टू डेड लोड। तो ये सारे रिजल्ट दिखाएगा एक ही बारी में, एक राइट क्लिक करने पर किसी एक बीम पे। इसी तरह से कॉलम का दिखाएगा, ये है कॉलम का आपका लोड, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। तो इस तरह से आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की 10 प्रॉब्लम का ये पैकेज है, 10 वीडियोस आएंगी 10 अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ, जिससे आप ई टाइप इजिली सीख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, पैट्रियन पे जाकर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो ई टैप जो मैंने अभी प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसकी जो फाइल है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।